आप सबको स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। हमारा डी प्लस अकेडमी यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इधर चक्का से दबा गया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं अभी बीरगंज में हूं और मैं अभी इंडिया में गया था, तो इंडिया से मैं अभी यहां पे आया हूं। और मैंने सुना है कि यहां पे हमारे बीरगंज में एक नया भाट भटनी खुला है, वो गंडक में है। तो आज मैं अपने भाई के क्लब में आया था, डी प्लस एकेडमी, इसी क्लब में मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था जगह एक बार जाके एक बार वो जगह भी घूमाऊँ। बीरगंज में रहते हुए यहाँ पे इतना साल हो गया, तो यहाँ पे अब तक शायद भाट भटनी अब तक नहीं खुला होगा। तो आज मतलब कि ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग हुए हुए मतलब कुछ दिन हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सब बने रहिए इसमें। और पता नहीं ये मतलब क्या होता है, कैसा होता है और क्या बोलते हैं जी, उधर क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा, अभी मुझे ही पता नहीं है। तो आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए हमारे ब्लॉग को। ये देखिए, ये है हमारा डी प्लस अकेडमी, ये है हमारा डी प्लस अकेडमी और मैं इसी में डांस सिखाता हूँ। ये मेरा क्लब है। अगर आप सबको कोई भी बीरगंज आना हो तो माया स्थान के पास ये डी प्लस अकेडमी क्लब है। आप यहाँ पे आके नीचे किसी से भी पूछेंगे जैसे डी प्लस अकेडमी कहाँ पे है, तो आप सबको पता चल जाएगा। इसका लोकेशन, ग्रेट लोकेशन आपको पता चल जाएगा। और मैं अपने भाई के पास पहुँच चुका हूँ। ये है हमारे भाई नवीन भाई, और ये क्लब में और भाई मिल के दोनों इसमें डांस सिखाते हैं। और हमारे भाई हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप सब ने एक गीत सुना होगा, मिनरल वाटर हमके पियादा रनिया, इसमें हमारे भाई ने बहुत बहुत सारा सपोर्ट किया था और बहुत सारा हेल्प भी किया था। तो थैंक यू सो मच भाई आपको। और अभी हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये भाट भटनी कहाँ पे है ये मुझे ही पता नहीं है, ये भाई को पता है। तो ये भाई मुझे घुमाने लेके जा रहा है क्या? तो वही हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। तो चलिए, हमारा डी प्लस अकेडमी का भी आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हाँ कहाँ से जाता है डी प्लस। यो गाइस, तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, हम लोग यहाँ क्लब से निकल चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। चलिए, और वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और गाड़ी में बैठ के जाएंगे गंडक। नहीं, 5 मिनट लगेगा। तो मैं आप सबको बता दूँ, हम लोग अभी इधर फरारी के सवारी में बैठ चुके हैं और ये गाड़ी हमारे भैया का है। और ये हमारे भैया होके ये हमें ही भैया बोलते हैं। बिट्टू भैया बताइए, ये बाल बच्चेदार आदमी होके मुझे भैया बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भाट भटनी, और भाट भटनी हमारे भैया लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ लग रहा है अभी। यहाँ से कितना दूर है भैया? यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर? 2 किलोमीटर? वाह। और सबसे बड़ी बात, हमारे भैया मेरा टिकटॉक देखते हैं और बोलते हैं कि और बच्चिया तो टिकटॉक देख के बहुत नाचे लेके आते। तो वे बात है अभी देखिए, हमारे भैया क्या कमाल चलाते हैं गाड़ी। ये देखिए हम लोग करते हैं। वाह। तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं, आप लोग बने रहो। जैसे कि हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और वही है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे जाके कैसा लगता है वो भी देखा जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, हम लोग पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में। चलावा हो जल्दी, फास्ट चल रहा एकदम जल्दी, 2 मिनट के भीतर में। अच्छा, 2 मिनट के भीतर में। तो टिकट ना बना लगा बना। हाँ, लोग खूब लाइक करो और बहुत लाइक आओ। और आयुष्मान भव ये देखिए गाइस, हम लोग भाट भटनी के पास आ गए और यहाँ पे 300 बैलून भी उड़ रहा है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। भैया कितना पैसा हुआ? 40। मैंने कहा था ना भैया कि पैसा का तो ना ले, पैसा ना ले तो सही में तेरे वायरल कर देना।
पैसा दे छोड़े वाला काम ना, अपन मेहनत दे कभी ना छोड़ेगी चाहिए, समझ ला ना दे। थैंक यू। चले गाइस, तो जैसे कि आपसे बता दूं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ओ बाबा, मैं वो ध्यान नहीं पूछा था। जैसे कि मैं आप सबको क्या बता रहा हूँ, ये भाट बटनी में ना फ्री का नाश्ता और फ्री का पानी मिल रहा है। सुन के बहुत खुशी लगा, सुन के बहुत खुशी लगा। और मेरा नाश्ता मिलता कहाँ, हुआ चल जाओ। हम लोग एंट्री कर चुके हैं गाइस। हैं हम हाँ। लोग अभी यहाँ पे आसमान में चढ़ रहे हैं, और आसमान में चढ़ के ऊपर कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है। ये देखिए गाइस, ओहो, ये पूरा कपड़ा सपड़ा इधर उधर, बाप रे बाप। अब इसमें हम लोग दिखाएंगे आप लोग को 80,000 का जूता। 80,000 का जूता कहने का रही है भाई। अब हम लोग आप लोग को दिखाएंगे 80,000 का जूता, इसमें आप हम सब का घर चल जाएगा। मेरा, आपका और हमारे भाई का, सबका घर, सबका घर चल जाएगा 80,000 के जूता। और इसमें आप लोगों को शॉपिंग करना होगा तो गांव घर में खेत होते, खेत होते बेच के भाजा कर। थैंक यू सो मच ब्रदर। के छ हाम्रो कहाँ देखे हुनुहुन्छ? सिमरा देखे हुनुहुन्छ। हेलो गाइस, जस्तो कि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु ब्रदर सिमराबाट हुनुहुन्छ। सो हाम्रो भाटबाट मलाई माया गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच कान्छी। इधर हम लोगों का वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जा रहे उधर धेरै माया गर्ने साथीहरू भेटौँ होला होइन, अनि जुन धेरै मजा आयो होइन, धेरै रमाइलो भइरहेछ अहिले पनि। अनि अहिले हामी कुन फ्लोरमा, अहिले सेकेन्ड फ्लोरमा छौँ, सेकेन्ड फ्लोरमा हो अहिले हामी। अब हामी माथि जाने यहाँ भएन पनि, हामी सेकेन्ड फ्लोरमा हो। साथीहरू के भनौँ, भलिबल, यो भलिबल गेम है। और यहाँ पे बच्चे लोग कितना रुपियाँ दाम पर पाइए? 150 रुपया, आई थिंक 150 बहुत ज़्यादा पता, 150। हेर्नु बिटु दाईको फ्यान, बिटु दाईलाई पिरिरहेको गरिदिएछ कर्कलाई। हाँ, तो
जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, अभी हम लोग यहाँ पे 3 तल्ला 4 तल्ला घूम चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर वाला फ्लोर, तो अभी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से कैसे उठेंगे ये बात का प्रॉब्लम, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। I hold him up. बहुत अच्छे तरह से किए, बहुत बार गिरे पड़े और एंजॉय भी किए, बहुत मज़ा आया। और हम लोग जा रहे हैं अभी जूता खोलने। स्केटिंग करते करते हमारा हाथ देखिए इधर चक्का से दबा गया है और बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। आप सबको बता नहीं सकता, बहुत दुख रहा है यार, बहुत दुख रहा है यार। और देखिए ना, सेविंग में नहीं करवाया हूँ, यहाँ पे आके बहुत शर्म लग रहा है। और सब लोग यहाँ पे क्या कैसे बता, लेकिन कोई बात नहीं, अपना देश है अपना खाओ, इसीलिए मैंने वैसा कुछ किया नहीं, जैसा है वैसा है चल दिया क्या बस। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पानी नहीं ना मिली भाई, कॉली ना नाश्ता उस्ता मिलने वाला भाई, जा बंद कर दो फिर, बाटन चल पानी पी लिया भाई, कैन आई टेक इट, ए वो दाद मांगो ना मांगो सर, क्या मांगो भाई, कैन आई टेक इट भाई, देन जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये देखिए इस भाग बटेली में आने का एक फायदा है, ठीक है, पैसा लगाओ ना लगाओ लेकिन फिर का नाश्ता खाओ जरूर। हम लोग यहाँ पे नाश्ता खा रहे हैं और ये देखिए भाई ने पानी नहीं लिया था, हम लोग ने पानी और शरबत लेके अभी जा रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप सब देख रहे हो, देखिए हम लोग भाग बटेली में पूरा घूम चुके हैं और हम लोगों ने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए आप सब देखे हो। और उसके बाद जब हम लोग पूरा एंजॉय करके आए वहाँ से नीचे, तो उसके बाद हम लोगों को ये पानी और ये नाश्ता, तो देखिए आप लोग देख सकते हो ये नाश्ता में बहुत चीज़ है, इसमें लिट्टी है, इसमें मिठाई है, इसमें क्या है रबड़ी है और काजू, ये किशमिश है, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप सब भी अगर एक बार आ रहे हो, अगर आते हो एक बार हमारे भाग बटेली में, आप लोग जरूर भेज सकते हो, यहाँ पे आप लोग जरूर घूम सकते हो और हमारे लोग कर सकते हो, और कुछ हो या ना हो लेकिन एक बार आप विजिट करेंगे ना तो आपको सब पता समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। तो वही बात है, आप सब आते हो तो एक बार घूमिए विजिट कीजिए और क्या कहें,
वही है। थैंक यू सो मच, हम लोग आप यहाँ आते रहेंगे बहुत, और हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे और क्या करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अब तक ये ब्लॉग को देख रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, हम लोग बहुत खुश है। और प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल।